हेलो जी, तो स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक हो रही है रथ यात्रा, तो चलते हैं फिर वहाँ पर, क्योंकि अभी रात के 9 बज गए हैं, तो रथ यात्रा 10 बजे तक है। तो ये रथ यात्रा शुरू हुई थी शाम को 7 बजे, 10 बजे तक चलेगी। तो इससे पहले कि ये रथ यात्रा ख़त्म हो, तो निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं, क्योंकि मेरे वहाँ पर फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। तो जिस जगह हमने पहुंचना था कि हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे आप मेरे पीछे शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं यहां पर, है निकली रथ यात्रा जगन्नाथ जी की। तो यात्रा तो निकल चुकी है, लेकिन अभी मेरे पीछे लगी हुई है स्टेज, तो अब लोग चलते हैं अभी स्टेज पर, तो आपको दिखाते हैं आगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा ये पिंगल गए थे, पूरे पिंगल गए थे, मतलब कि राधा की जब उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया ना, तो भाई राधा कौन थी, उसने पूछा भगवान श्री कृष्ण की वाइफ ने। जब उसकी वाइफ ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण राधा के बारे में, जो उनकी पत्नी थी भगवान श्री कृष्ण की, तो उनसे थोड़ा इस शकत भी राधा कौन थी, तो उनकी जो माता जी, उन्होंने सुनाई थी। जब राधा की सुंदरता का वर्णन किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा वो ना पिंगल गए थे। तब से ये जगन्नाथ जी की वो बनाई जाती है, मतलब कि ये है। और आज के दिन बार्सिलोना में पूरे धूमधाम से मतलब कि मनाया जाता है। यहाँ पे जितने भी हम भी कंट्रीब्यूट करते जो भी है, जब हमें पता है मंदिर वाले तर, ये तो स्पेनिश है, स्पेनिश हो के भी जो है कितना मतलब ना देखते ना हमारे कल्चर को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि जैसे आप देखोगे ना कि कपड़े की देखोगे कैसे सूट डालते हैं, साड़ियाँ डालते हैं, और इनको संस्कृत भी आती है और हिंदी भी बहुत अच्छे बोलते हैं। हम लोग जो इंडियन हो गए, हमें चाहिए कि हमें आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं अपनी विद फैमिली लेके आया हूँ, बच्चों को भी लेके, और काफ़ी मतलब इतना भक्ति में हो गया। जब से मैंने वृंदावन के बारे में, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, जब से मैं वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ, तो उनको सुनने से बस एक ही नाम चलता है, राधे 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 राधे। अब मैं यहाँ पे हूँ ना, सब कुछ सुना, बस मेरे दिल में ये चलता है कि राधे, जब मैं राधे राधे नाम चलता है, तो मेरे आगे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का रूप दिखाई अपने आप ही, मतलब आगे महसूस होता है मुझे। तो ये भाई हर साल रथ यात्रा निकलती है, ये हर साल बार्सिलोना में जो हमारे महाराज प्रभु पाद जी, वो आज से मे बी 96 में USA गए थे जी। तो उन्होंने जो नशा करते थे ना लोग, उनको कहते तुम किस मस्ती में रहते, तो नशे की मस्ती में, मैं तुम्हें एक ऐसा नाम देता हूँ कि तुम जैसे पूरे मतलब कि अपने आप में इससे भी अच्छी मस्ती है। उन्होंने बस हरे कृष्णा हरे राम ये नाम दिया। तो उन्होंने जब गाया ना, जो भी इसको एक बार अगर आँख बंद करके गाना, तो उस इतने भक्ति में उसी का रूप है। हर कंट्री में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मैंने देखा यूट्यूब रथ यात्रा निकलती है और हर कंट्री में इस्कॉन का मंदिर है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना अद्भुत प्रेम देख के, ओह माय गॉड, व्हाट ए, मतलब कि हम सोचते हैं हम इंडियनों के, हम इन स्पेनिशों को देखते हैं, इंग्लैंड के गोरों को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्यार, ओह मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की गोद में ही जाएंगे, मोक्ष में ही जाएंगे। मैंने ना जब मैंने जो अपना YouTube चैनल शुरू किया था ना, तो मैंने फर्स्ट वीडियो जब डाली थी ना, तो उस वीडियो में पहला ही सीन तो ये रमले पे हुआ था, रमले पे। हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो और ये मतलब कि हरे कृष्ण ही धुन में, अपने ही धुन में, बस इसको किसी भी तरीके का, आप चाहे किसी की भी पूजा करें, बस जब आप पूरे दिल से करोगे ना, एक दिन आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाओगे। वो ही एक सर्वश्रेष्ठ है, वो ही इस सृष्टि के ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। तो इसको ही बस जब सुनते हैं हरे कृष्णा हरे, आप इस जैसे राधे राधे का नाम, राधे 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 राधे, क्योंकि राधा नाम ही एक ऐसा है कि जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और इस तरीके से हम आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा, तो अभी ये मूर्तियाँ कहाँ पर लेकर जा, अभी यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में ही इनको स्थापित, हाँ अंदर स्थापित किया जाएगा, और काफी अच्छा मंदिर है, काफी भव्य तरीके से इन्होंने बनाया गया है ये मंदिर होता कृष्ण का। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बार्सिलोना रहते हैं हिंदू भाई, जितने भी जो भी हैं, जितना भी डोनेट कर सकते, और भी सभी मिलकर मतलब मिलके एक मंदिर बनाया जाए आने वाले टाइम में, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर सके, लोगों को पता लगे, जो भी एक बार भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ले लें,
और एक बार बस आंख बंद करके देखो ना कितना आनंद, जो ये हमारे लाइफ में स्ट्रेस है किस तरीके से हम गुजर रहे हैं, काम की तरफ दौड़ रहे हैं। अब मैं भी ट्रैवल एजेंसी का काम करता हूँ, आज से 3-4 महीने पहले मैं भी इतना स्ट्रेस रहता था, जब से मैंने प्रेमानंद जी को सुना ना, प्रेमानंद जी महाराज को सुना, तो बस मैंने सब एक ही बस उनकी वो सुनी, राधा राधा राधा, बस मुझे भगवान कृष्ण की जी के चरणों में ध्यान जाता है। और साहिल मैं इतना हैरान हूँ कि मतलब कि किस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि बार्सिलोना में कितना भव्य, तभी मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। मेरे जितने भी फ्रेंड थे मैंने उनको बुलाया कि भाई एक बार आप आए, और मैं थोड़ा लेट हो गया आने में क्योंकि थोड़ा काम था तो मुझे पता नहीं था। हाँ जी, लेकिन मैं यात्रा में ना शामिल होना चाहता था। हाँ जी हाँ, लेकिन आप रथ यात्रा देखते तो... कितने भी एक बार भी बस आपने निहार लिया है रथ यात्रा अपने श्री जी की तरफ, जैसे हम श्री जी का नाम लेते हैं तो हर काम हर उसमें हम किस तरफ जा रहे हैं, बस हम पैसों के लिए उसके लिए दौड़ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम लो, नाम ले कितनी संतुष्टि मिलती है, भगवान श्री कृष्ण का राधा का नाम जपे बस। अब ये देख लो आप यहाँ पे 5 गुरुद्वारे हैं, सिख धर्म में इतनी श्रद्धा लोगों में इतनी श्रद्धा है कि वो चाहे 1 यूरो करे चाहे 10 यूरो करे, इतना प्यार गुरुवाणी के प्रति लोगों का। अब गुरुवाणी का जब नाम जपते हैं, गुरु नानक देव जी वो भी उन्हीं के ही रूप हैं, तो अब हम गुरु जी को मानते हैं। अब जैसे हम हिंदू धर्म पे भी हैं तो हम जैसे अपने चाहिए कि भाई सबको मदद करनी चाहिए ताकि यहाँ भी एक मंदिर बन सके। भगवान श्री प्रभुपाद जी जिन्होंने ये हरि कृष्णा जो इस्कॉन का है इन्होंने ही मतलब शुरू किया था, और इन्होंने ही मतलब कि अमेरिका में आके और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबको बताया, तो इन्हीं के कारण हम भगवान श्री कृष्ण को विदेश में भी पा सकते हैं। अब यहाँ पे हर कंट्री में US देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इंग्लैंड, इवन स्पेन में देख लो, यहाँ पे भी इस्कॉन मंदिर है, इसके कारण हम दर्शन कर रहे हैं। अब ये हैं जैसे रथ यात्रा के बारे में, अब जो यहाँ पे भी ये देखो, अब सभी के नाम लिखे होते हैं कि भाई किसने कितना डोनेट किया, कोई कितने भी दे सकता है। अब यहाँ पे आप देखो महाजन फिर 600 पे किए हैं, कोई भी जितनी भी भक्ति हो तो सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी पैसे हैं दे सकते हैं, जो क्योंकि अभी रात के 10 बज चुके हैं और मंदिर अभी बंद हो गया है, तो अभी जितने भी भक्तजन हैं तो सभी मतलब कि ये मंदिर का जो मेन द्वार है बंद हो गया, अंदर से दिखाते तो आप देख के हैरान कितना भव्य तरीके से बनाया गया है ये, और ये जो जगह है इन्होंने स्पेनिश से जो इन्होंने अपनी ही खरीदी है मंदिर के लिए, अब कोई वो नहीं, तो इन्होंने मुझे बताया था। अब हम चाहते हैं कि कोई मंदिर बने बड़ा, तो जहाँ पे इसके ऊपर छत ना हो, क्योंकि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बने, तो चाहता हूँ कि स्पेस से अलग जगह, क्योंकि बार्सिलोना में इतनी बड़ा है तो कहीं भी मंदिर बने तो भगवान श्री कृष्ण जी को वहाँ पे विराज कराए। तो फिर तो जी ये आज तक की ये वीडियो, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया रथ यात्रा में, मतलब शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हो सका मैंने यहाँ कवर किया और कवर करके मैंने आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में राधे राधे और जय श्री कृष्ण आपने जरूर लिखना है, और चैनल को सब्सक्राइब।